आज तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसे में आपको सबसे पहले तीसरे चरण की कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। क्षेत्रों की सबसे पहले तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो तीन क्षेत्रों में यानी कि तीन हिस्सों में ये इलेक्शन होगा। पश्चिम की 19 सीटें हैं जहां पर आज वोट कास्ट किए जाएंगे, इसके अलावा बुंदेलखंड की 13 सीटें हैं जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे, अवध की 27 सीटें हैं जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं वो भी हम आपको इस बीच बता रहे हैं। ये हम आपको बता दें, हाथरस एक जिला है जहां पर वोट आज कास्ट किए जाने हैं, इसके अलावा फिरोजाबाद एक जिला है जहां पर आज वोट कास्ट किए जाना है, इसके साथ एटा भी इनमें एक जिला है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी यहीं पर से है, मैनपुरी फारुखाबाद, ये तमाम वो जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज वोट कास्ट किए जाएंगे, यानी कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, अपना प्रत्याशी जो है जनता यहां पर से चुनेगी। फारुखाबाद भी एक सीट जहां पर आज वोट कास्ट किए जाएंगे। तो 16 जिले हैं, 16 जिलों की 59 सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग होगी यानी कि वोट कास्ट किए जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं और ये तीसरा चरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानकर आप चलिए, क्योंकि दो चरणों से ज्यादा सीटें इसमें है। कन्नौज भी एक है, इटावा भी इसमें एक है जिला, औरैया एक जिला है इसमें जहां पर वोट पड़ेंगे, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर वोटिंग की जाएगी। जालौन इसमें एक जिला है जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो जिले हैं वो सिलसिलेवार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर आज लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे चरण की अगर बात की जाए, हॉट सीट अब आपको बता देते हैं कौन सी वो हॉट सीट है जहां पर वोट कास्ट किए जाएंगे। इसमें कासगंज सबसे पहले आता है, फिर हाथरस आता है जहां पर आज वोट कास्ट किए जाएंगे, और ये हॉट सीट है तीसरे चरण की जो कि हम आपको बता रहे हैं। मैनपुरी एक सीट है जहां पर से करहल से अखिलेश यादव है, इसके अलावा कन्नौज एक सीट है, यहां पर भी तकड़ी फाइट होगी, हॉट सीट ये भी है तीसरे चरण की, जिस पर सबकी निगाहें जो हैं वो लगी रहने वाली है कि क्या कुछ यहां पर होता है, जनता कितनी यहां पर जागरूक नजर आती है, कितना मत प्रतिशत यहां पर पड़ता है। इसके अलावा इटावा एक सीट है जहां पर तीसरे चरण की हॉट सीट ये बनी हुई है। तमाम वो सीटें हम आपको बता रहे हैं जो हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है, जिन पर सबकी निगाहें जो हैं वो बनी रहने वाली हैं, सबकी निगाहें होंगी इन सीटों पर, क्या नतीजे निकल कर आते हैं। कानपुर नगर एक सीट है, झांसी इसके अलावा तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट बनी हुई है जहां पर ये देखना होगा कि जनता क्या फैसला देती है। तो ये तमाम हॉट सीटें हैं और तीसरा चरण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 ऐसे क्षेत्र हैं, 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर यादव वर्चस्व जो है वो रखते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर काट करना बेहद जरूरी है और बीजेपी किस तरीके से इसकी काट करती है, जनता क्या बीजेपी को यहां पर उतना मैंडेट दे पाती है जितना मैंडेट जनता ने पिछली बार दिया 2017 में, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न जो है बीजेपी के लिए यही है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने पहले दी उसी परफॉर्मेंस को वो बरकरार रखें या फिर उस परफॉर्मेंस से ऊपर जाए, क्योंकि